जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने और स्पेशली रेट ऑफ सम शिक्षा जे के यू ने एक आर्डर निकाला था जिसमें यह कहा था कि एंगेजमेंट ऑफ एंगेजमेंट हायरिंग ऑफ हेल्पर्स ए ए वाई ए एस आयास अंडर सपोर्ट ऑफ प्री प्राइमरी ई सी सी ई फॉर द ईयर दो हजार तेईस दो हज़ार चौबीस रिगार्डिंग एंड कंटिन्यूंस ऑफ एग्जिस्टिंग आयास तो ये इन्होंने एक आर्डर निकाला था आर्डर डेट थी इनकी छः छः दो हजार तेईस को उसके बाद क्या होता है कि तमाम जितने भी उसमें इन्होंने कैटेगरी लिखा था कि जितने भी गाँव के अंदर आठवीं उन्होंने बेसिक क्वालिफिकेशन रखी थी और उसमें ये कहा था कि जितनी भी खासकर वुमेन्स है जो विडो है जो डाइवर्स है या जो आर्फन है ये इनको जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी टर्म्स एंड कंडीशन ये थी तो ये तमाम जितने भी लोग थे गरीब लोग थे दूर दराज से उनको एक एक डेढ़ डेढ़ महीना लगा कि हमने ये फॉर्म की फॉर्मेलिटीज फिल की और उसके बाद जो है वो फॉर्म सबमिट किए फॉर्म सबमिट होने के बाद शॉर्ट लिस्ट की डिपार्टमेंट ने शॉर्ट लिस्ट की लेकिन सितम जरीफी आप ये देखिए कि कल ही एक नोटिस जो है वो डायरेक्टरेट डायरेक्टोरेट ऑफ जो है समगरा की तरफ से आता है उसमें ये लिखा जाता है कि इनको जो है विदाह किया जाए अभी तक जो है इनको आगे इनकी एंगेजमेंट uh, नहीं करनी है उसके जिमन में जो हमारे कंसर्न जे थे या uh, लोकल ऑफिसल्स ऑफिशल्स थे उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है वो एक मैं आपके सामने एक आर्डर ये दिखाऊंगा अभी उसमें ये लिखा है ये ऑर्डर है ऑफिस ऑफ द जोनल एजुकेशन ऑफिसर मैंडर की तरफ से ये नोटिस है एज पर द डायरेक्शन ऑफ द हायर अथॉरिटीज द टेंटेटिव मेरिट लिस्ट पैनल फॉर द एंगेजमेंट ऑफ हेल्पर्स आयाज इन जोन मैंडर पब्लिश वाइड दिस ऑफिस नंबर जेडियो एस एम एस मैंडर तीन सौ छब्बीस इकतालीस डेटेड दो नौ दो हजार तेईस स्टैंड कैंसल टिल फर्दर ऑर्डर इन्होंने ये कहा कि हम जो ये जितनी भी हमने ये एक्सरसाइज की है वो शार्ट लिस्ट भी किया हुआ था वो कैंसिल हुआ है अब जब तक फर्दर आर्डर आता मेरे आपकी मीडिया के माध्यम से चंद सवाल हैं डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से एजुकेशन डिपार्टमेंट से ऑनरेबल एल साहब से या जितने भी यहां पे डिपार्टमेंट इसको देख रहे हैं वो वो मुझे ये बताएं कि आपने इतनी एक्सरसाइज की लोगों से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए शॉर्ट लिस्ट किया और उसके बाद आप आनंद फानन या तो मैं ये कहूंगा कि जो डायरेक्टर साहब हैं उनकी नाली है वो उनको इतना पता नहीं लगा कि दो तीन महीने एक्सरसाइज करवाने के बाद छठे महीने में ये एक्सरसाइज शुरुआत करवाते हैं और आज मा महीना जो है उसमें ये ऑर्डर निकालते हैं कि इसको कैंसिल किया जाए हमें कुछ कमियां रह गई है मैं ये पूछना चाहता हूं यहां से सीधा सीधा ये लग रहा है कि जो जो इनके परसन थे, जो इनके पर्सन थे थे आंख के तारे जिनसे इन्होंने पैसे लिए हुए थे और जो गरीब लोग लिस्ट में आ गए तो इनको ये अब अलेवंथ हाउस में जाकर लिस्ट जब पब्लिश हो गए होने के बाद इनको कैंसिल करनी पड़ी ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के ऊपर और कंसर्न जितने भी इसको डील कर रहे हैं उनके ऊपर मैं एजुकेशन सेक्रेटरी से यह क्वेश्चन करना चाहता हूं और खासकर चीफ सेक्रेटरी से ये कि आप इतनी एक्सरसाइज करते हो इतना पैसा लोगों खर्च करवाने के बाद गरीब जो जो बेचारी विडो है डाइवर्स है जो ऑर्फन है बच्ची वो उसके पास दस रुपए नहीं होते हैं उनको उन्होंने हजारों रुपए इस आ, के ऊपर खर्च किए और उसके बाद आज आपका ऑर्डर आता है कि इसको कैंसिल किया जाए ये सरासर सर सरासर जो है ये मजाक है ये सरासर जो है ये आपने आपके ऊपर एक सवाल यह निशान कर, खड़ा करता है कि आपने कौन सा पहले जो है वो मेजरमेंट के तहत कौन सा आपने जाविए से ये फॉर्म लगवाए कौन से तरीके से आपने क्या मापने का तरीका था कि आपने कहा कि ये फॉर्म लगने चाहिए ये ये रिक्वायरमेंट्स थी वो फिलफिल होनी चाहिए और आज जब फॉर्म लगने के बाद आप ये कह रहे हो शार्ट लिस्ट होने के बाद कैंडिडेट कि ये, ये कैंसिल होनी चाहिए इससे जाहिर साफ होता है कि जो इन्होंने मुझे सुनने को आया कि हर कैंडिडेट से दस दस हजार रुपया मांग रहे थे लेकिन इनकी चल नहीं रही थी क्योंकि कोई ऐसा लगा नहीं तो इन्होंने कोई और तरीका निकालने के लिए जो है ये ऑर्डर को कैंसिल किया है तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि अगर इस ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो फिर हम जो है इसके लिए तैयार है इसको, इसका इसका जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आप पहले मुशक्कत करवाते हो लोगों को दौड़ भाग करवाते हो और दो महीने लग जाते हैं लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने में कभी डेथ सर्टिफिकेट कभी बर्थ सर्टिफिकेट कभी कुछ कभी कुछ और अब न जाने कौन सी आफत आन पड़ी कि आपने जब लिस्ट तैयार होगी तो आपने ये इसको कैंसिल किया है ये कुछ मेरे सवाल थे जो मैंने डायरेक्ट्रेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में खड़े किए हैं